हाल के दिनों में मालदीव ने भारत के साथ रिश्तों में आई खटास को दूर करने की कोशिश की है। हालांकि भारत ने भी उसके आर्थिक मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इसी बीच खबर है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने द्वीप राष्ट्र को कर्ज चुकाने में मदद के लिए भारत का धन्यवाद किया है। साथ ही मुइजू ने उम्मीद जताई है कि नई दिल्ली और माले मजबूत संबंध बनाएंगे और एक मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। मुइजू शुक्रवार को मालदीव में आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार अपने संबोधन में उन्होंने प्रशासन की विदेश नीति की सराहना की और 8 महीने की कूटनीतिक सफलता का जश्न मनाया। राष्ट्रपति मुइजू ने मालदीव के ऋण भुगतान को आसान बनाने में सहयोग के लिए भारत और चीन के प्रति आभार व्यक्त किया, जिससे देश को आर्थिक संप्रभुता सुनिश्चित करने में मदद मिली।